हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आईटीआई में अच्छी सैलरी पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआई में करियर करते हैं। कोई भी आईटीआई हो, आईटीआई इन फिटर, आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, या फिर जो कोई भी बंदा जिस किसी भी फील्ड में आईटीआई कर रहा हो, हार्डवेयर नेटवर्किंग होता है, तो उस बंदे को जो सैलरी मिलती है ना गाइज, क्योंकि लेट इट बी एक एग्जांपल लेते कि किसी गांव का लड़का है, जस्ट 10th पास आउट किया, बाद में उसने आईटीआई में एडमिशन लिया, 2-1.5 साल का आईटीआई कंप्लीट किया, और उसके बाद वो पुणे या मुंबई सिटी में जॉब के लिए आ गया। तो वो बंदा जॉब ढूंढ रहा है अभी मार्केट में, ये कंडीशंस है, तो इस कंडीशंस में उसको सैलरी कैसे मिलेंगी, कितनी मिलेंगी गाइज। तो यहाँ पर मैं हेल्प करूंगा गाइज उन लोगों को कि कैसे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद का मार्केट प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो मार्केट प्राइस कैसे बढ़ता है गाइज, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कोई बंदा अगर इस सिटी में आता है तो आपको एक बात पे गौर करना पड़ेगा गाइज कि यहाँ पर ओपनिंग्स कितनी और किस पोजीशंस के लिए ज़्यादा है। अभी मैं बात करूंगा, कोई बंदा है जो आईटी के नेटवर्किंग में है, यानी आईटी नेटवर्किंग में काम करता है, तो नेटवर्किंग एक कंसेप्ट है जो हर कंपनी में लागू होती है, प्रोडक्शन हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर एक कंपनी में, यहाँ तक कि कोई हॉस्पिटल भी होगा इस, तो वहाँ पर नेटवर्किंग कंसेप्ट लागू होती है। तो वहाँ पर उसकी जो अपॉर्चुनिटी है गाइज, उसका करियर करने की अपॉर्चुनिटी वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कोई बंदा है जिसने जस्ट सीएनसी प्रोग्रामिंग कंप्लीट की है, अभी ये सीएनसी प्रोग्रामिंग का बंदा है, उसका एक जो पैटर्न है वो लिमिटेड है, यानी मान लीजिए कि कोई कंपनी है बहुत बड़ी, किर्लोस्कर हो गई, या फिर बहुत सारी कंपनी है जो सीएनसी पे काम करती है, लेकिन जो कंपनी का काउंट है वो काउंट बहुत कम होता है, तो या कम काउंट में वो कंपनी सैलरी कम देती है। क्यों देती है? क्योंकि वहाँ पे जो अप्लाई करने वाला क्राउड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी मान लीजिए कि किर्लोस्कर में सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए 20 पोजीशंस वैकेंसी है, तो वहाँ पर 400-500 एप्लीकेशंस आते हैं। लेकिन कहीं पे अगर आईटी यानी हार्डवेयर नेटवर्किंग का आईटीआई की ज़रूरत है, या फिर नेटवर्किंग आईटीआई की ज़रूरत है, तो वहाँ पे 20-30 एप्लीकेशंस आते हैं। तो कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है और कैसी है। अभी सैलरी की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर आईटीआई की सैलरी डिपेंड करती है आपके नॉलेज में, आपके पोजीशंस में, कंपनी के टर्नओवर में, और जिस पोजीशंस पे आपको, जिस कंडीशंस पे आपको हायर किया जा रहा है उस कंडीशंस पे। इस टर्म को थोड़ा बढ़ाते हैं, कोई कंपनी है जो छोटी मोटी कंपनी, यानी जस्ट लेट स्टार्ट की हुई कंपनी है, उस बंदे ने, किसी भी आदमी ने अभी 1 साल में कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी का रेवेन्यू कम है, सो अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो आपको सैलरी कम देगा। वहां पे आप अगर उस बंदे को बोलेंगे मुझे 3 लाख रुपए एनुअल सैलरी चाहिए, तो वहां पे उतनी सैलरी आपको नहीं मिल सकती गाइज। लेकिन वही सैलरी अगर आप किसी बड़ी कंपनी, फोक्स वैगन, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पर आप मांग सकते हैं, तो होप कि आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको उतनी सैलरी वो अफोर्ड कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो आईटीआई में अगर आप सैलरी ग्रो की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक कंपनी को ज्वाइन होते हैं 8-10 हज़ार में, और उनकी सैलरी एक एक साल में 2-2 हज़ार से बढ़ती है, 1 साल 2 हज़ार बढ़ी, दूसरे साल 2 हज़ार, दूसरे साल 4 हज़ार, तो ये जो ग्रोथ है ना वो उनका मेंटल ग्रोथ रहता है कि यार इसी पैटर्न से चलना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जस्ट ज्वाइन करते हैं कम सैलरी में, 8 था, कुछ आईटीआई के बंदे ऐसे मैंने देखे हैं कि 4-6 साल 6-6 थाउज़ेंड में, यानी 6 हज़ार पे वो स्टार्ट कर लेते करियर, लेकिन आज की उनकी सैलरी 50-60 हज़ार है, जहाँ तक कि वो पुराने जो आईटीआई वाले लोग थे वो 15 या 20 हज़ार कमा रहे हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों आता है उन लोगों में? क्योंकि वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपको स्किल को डेवलप करना है, आपको कंपनी ऐसी चॉइस करनी है जिसका टर्नओवर अच्छा हो, आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहना है, इसलिए आपको नॉलेज में अपग्रेड रहना होगा। कोई बंदा सीएनसी प्रोग्रामिंग में 8 हज़ार पे काम कर रहा है अभी, तो अगर उसने प्रोग्रामिंग का अगला जो पढ़ा हुआ है, यहाँ पर अगला सर्टिफिकेशन से वो कंप्लीट कर लिया, उसकी पोजिशंस अपने आप ग्रो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी में, मैं खुद बताता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ अगर स्किल बढ़ रही है तो आपकी सैलरी भी पैरेलली बढ़ती रहती है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अगर आपका स्किल माइंडसेट नहीं बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी उसी लेवल पे स्टक रहती है। सो सैलरी कैसे बढ़ेगी, इसका कोई लॉजिक या सॉल्यूशंस नहीं है, आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको नॉलेज ग्रो करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नॉलेज ग्रो करते रहेंगे तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ेंगी, उसका कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके नॉलेज में आपने इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो होप आप ये कंसिडर मत कीजिए कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी,
क्योंकि कुछ कंपनी होती है जो सभी का इंक्रीमेंट करती है, लेकिन इंक्रीमेंट करने वाली कंपनी 2-3 हज़ार से इंक्रीमेंट करती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आपका इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर खुद के नॉलेज में ग्रो करके आप खुद का इंक्रीमेंट अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ा रहे तो दैट्स चैलेंजिंग थिंग और ये अच्छी बात है आपके लिए गाइस। तो होप ये वीडियो देख के आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये कंडीशंस क्या है मार्केट की लेटेस्ट आईटीआई को लेकर। सो थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।